वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या वास्तु की एक्चुअल में कोई सिग्निफिकेंस है? तो हम अपने लिए योगा, मेडिटेशन, रेकी और ना जाने क्या क्या मोडालिटीज़ करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम खुद के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर का एनवायरनमेंट और एटमोसफेयर अच्छा क्यों नहीं है? वाई देर इज़ नो एनी पीस एंड हार्मनी एट माई प्लेस? क्योंकि हमारे घर की भी कुछ एनर्जीज होती हैं। घर में भी पांच एलिमेंट्स होते हैं जो हमें बैलेंस करने होते हैं। वो बैलेंस करने से हमारी ओवरऑल, हमारी जो बॉडी है वो ऑरा से एनर्जी लेती है, और हमारा पूरा ऑरा पूरे घर की एनवायरनमेंट, पूरे घर की एनर्जी से एनर्जी लेता है। फाइनली हमारी सराउंडिंग्स की एनर्जीज भी हमें इफेक्ट करती हैं, लाइक हमारे घर की, ऑफिस की और बॉडी की। अगर एनर्जी सिंक्रोनाइज्ड हैं तो हम हर चीज़ में सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। रिलेशनशिप में बैलेंस होगा, रिलेशनशिप हार्मनियस होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में, घर के सेंटर में फ्रिज है जो कि नहीं होना चाहिए, तो घर के सभी लोगों का कहीं ना कहीं स्टमक इश्यूज होंगे और बीमार होंगे। या फिर आपके नॉर्थ में कोई हैवी फर्नीचर पड़ा हुआ है तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होंगे, इनकम ब्लॉक हो सकती है। तो इसीलिए वास्तु इज वेरी इंपॉर्टेंट।